हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज हम बड़ी बनाने जा रहे हैं। इसको हम अदौरी बोलते हैं, हमारे बिहार में अदौरी बोलते हैं और बाकी साइड में शायद बड़ी ही बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसको भिजाने के लिए पहले ये बाकला का दाल जो गांव में मतलब हमारे खेतों में होता है, तो हम बाकला का दाल ले लिए हैं 200 ग्राम। और ये चना का दाल है, ये भी हम 200 ग्राम लिए हैं। और ये मसूर का दाल है, इसको भी 200 ग्राम लिए हैं। अब हम तीनों को एक ही में मिक्स कर लेंगे इसमें ऐसे, और इसको हम लगभग 3 घंटा मतलब भिंगा कर रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए और मिक्स हो जाए। इसमें हम पानी डालेंगे, यहाँ 3 घंटे तक फुलाएंगे ना इसको दीदी। हाँ, जब ये ऐसे से भीग जाएगा और फूल जाएगा तो इसको हम पीसेंगे। अच्छा। सिलबट्टे पे पीसेंगे। अच्छा, फिर इसको हम अदौड़ी बनाएंगे और इसको दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे और कैसे सूखिएगा ये, और फिर सब्जी भी बना के दिखाएंगे, इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 घंटे के बाद मिलते हैं, जब ये हमारा अच्छा से भीग जाएगा तो पीसने के लिए हम आपको दिखाएंगे कैसे हम पीसते हैं। ऐसे ही धो लें इसको, और हम इसको अच्छा सा धो लेंगे और धो करके फिर इसको हम सिलबट्टे पर पीसेंगे। तो ले चलते हैं सिलबट्टे पर पीसने के लिए। तो देखिए, ये हम धुल कर लाए हैं। अब हम सिलबट्टे को अच्छा सा धो रहे हैं, इसको धुल देंगे और इस पर पीसेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अपनी मतलब मिक्सर जार में ही पीस सकते हैं, मिक्सर में पीस सकते हैं, लेकिन हमारे सिलबट्टे का जो टेस्ट है वो अलग होता है। तो आप भी एक बार सिलबट्टे का टेस्ट मतलब कर सकते हैं, और आप भी एक बार पीस के देखिए और बना कर देखिए और खा कर देखिए, और फिर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो हम इसको पीस लेते हैं, देखिए। और इसे पीसने के बाद इसमें पानी बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये हमको गीला नहीं चाहिए। मतलब ऐसा हो कि ये जैसे अदौड़ी बनाएंगे तो थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, इसमें पानी नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ये ऐसे ही पीसते जाएगा, क्योंकि अच्छा से ये भिगो दिए हैं हम तो फूल गया है। अच्छा, तो इसमें पानी दोस्तों बिल्कुल नहीं डालना है। हाँ, पानी इसमें नहीं डालना है, ऐसे ही इसको पीसना है। देख सकते हैं कितना बढ़िया पीस रहा है हमारे सिलवट पे दोस्तों। इसीलिए हमारे पहले के लोग इतने फिट हुआ करते थे, क्योंकि इतनी मेहनत किया करते थे। हमारी दीदी पूरी फिट है। तो ये सारा दीदी हम ऐसे ही पीस लेंगे ना। हाँ, हाँ, पीस लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम पीसे हैं, तो मतलब जगह नहीं है सिलबट्टे पे, तो हम पीस पीस कर थोड़ा थोड़ा इसको उठाते जाएंगे और फिर पीसते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम जो पीसे हैं थोड़ा दरदरा होना चाहिए, एकदम मही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मही होने से फिर ये इसका ना ये गोल गोले से बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा दरदरा होना चाहिए। अब इसको हम खूब ऐसे मिलाएंगे, फेंट लेंगे। हाँ, खूब फेंट लेंगे, इसको मिला देंगे। और क्या है कि इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, नहीं हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं, ताकि इसमें मसाला नहीं डालेंगे तब सब्जी बनाएंगे तब उसमें उसका फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है कि हाँ इसमें मसाला वसाला जाएगा चाहे कुछ भी। हम इसको खूब ऐसे ऐसे कर लेंगे, मतलब खूब मिला लेंगे, और जब ये थोड़ा हल्का समझ में हो गया मेरा तो हम इसको ले चलेंगे वहाँ बनाने के लिए। तो ठीक है, हम इसको 5 मिनट तक खूब इसको हम फेंट लिए हैं, जैसे इसको मिला लिए हैं, और चलते हैं। देखिए, हम कपड़ा यहाँ पर बिछा रखे हैं और इसको हम बनाएंगे गोल गोल। तो देखिए, ऐसा ऐसा हम बनाएंगे गोल गोल। इसका नियम क्या है बता दें दीदी, बताइए। तो आप देख सकते हैं ये हम बना रहे हैं, और ये मेरी मम्मी है तो इसको बनाते हैं, तो इसमें कुछ करते हैं, मतलब कुछ नियम है इसका। तो मम्मी आप शुरू कीजिए। तो ये अदौरी का यही नियम है कि अदौरी पार देते हैं, पारने के समय में 5 मिर्चा उसका ऊपर में खोस देते हैं, क्योंकि अदौरी में बहुत नियम चलता है कि किसी का नजर नहीं लगे कि यह अदौरी बहुत अच्छा बनेगा बोल के मिर्चा हम लोग डाल देते हैं, 5 ठो खोस देते हैं, उसके बाद हम लोग अदौरी बनाते हैं। और इसका मसाला वसाला नहीं डालते हैं, क्योंकि ऐसे अदौरी हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद सब मसाला जब सूख जाता है उसके बाद सब मसाला वसाला दे करके हम लोग बनाते हैं, तो बहुत अच्छा ये होता है। ये इसका नियम है अदौरी का, समझे। ये हम लोग अदौरी बना रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे करके अदौरी बनाइएगा, हम बता रहे हैं। इसका अदौरी बनने से बहुत अच्छा लगता है, समझे। आप बनाइए। हाँ। और इसको खाइए और फिर इसका टेस्ट बताइएगा।
हमारे अनीता जी के किचन में मेरी मामी हैं और मतलब बताते रहिए कि कैसा लग रहा है ये। तो ठीक है, हम बना रहे हैं। तो सूखने में कितना टाइम लग जाएगा दीदी? सूखने में शाम तक तो सूखेगा, लेकिन इसको दो तीन दिन हम जरूर सुखाएंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए, इसमें मॉइस्चर ना आए। अच्छा से सूख जाएगा तो फिर इसको हम डब्बे में रख लेंगे और जब मर्जी करे तब निकालते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। अभी की धूप तो बहुत ज्यादा हो रखी है ना। तो दोस्तों देखिए, हमारी बड़ी दीदी हैं और इनकी लड़की हमारी भांजी मिल के बना रहे हैं अदौड़ी। और इस तरीके से आप अदौड़ी बनाइएगा। आप लोग बोल रहे थे ना अनीता जी अदौड़ी बनाना, और बताइए आप बिल्कुल गांव के तरीके से और कैसे बनाया जाता है अदौड़ी। तो इसका जो नियम है वो भी दीदी दिखाई और बताई भी आपको महत्व। तो ये जो रेसिपी है ये काफ़ी, जैसे कि कभी घर में सब्जियाँ नहीं हैं तो आप बना सकते हैं इससे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, या बैगन में डाल के बनाइए। क्या क्या चीज़ में डाल के बनाते हैं दीदी, थोड़ा बता दीजिए। ये अदौड़ी ऐसा तो नहीं बन सकता है, अदौड़ी बनता है आपका बैंगन मिला दीजिए, सेम भी हुआ, पालक हुआ, दे करके इसका सब्जी बनता है। शादी विवाह में भी अदौड़ी आदमी खरीद कर लाता है, घर में भी बनाते हैं, तो सब फंक्शन में भी आदमी खाते हैं इसका बहुत सब्जी। आप वैसे बनाइएगा और खाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो बहुत से तरीके का सब्जी बनाया जाता है अदौड़ी का दोस्तों, और मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। और इसका जो महत्व था और जो खूबियाँ था, आप इसे सालों स्टोर करके खा सकते हैं, ये तो आप जान ही लिए। देखिए हमारा अदौड़ी है, ये हम अदौड़ी बना दिए हैं, बना करके धूप में सुखा दिए हैं। केवल कि पाँचवा महीना में गर्मी का बहुत मौसम जो आता है होली के बाद, उसी में अदौड़ी पड़ा जाता है, क्योंकि बहुत वहाँ धूप होता है, तब धूप में भी अदौड़ी बढ़िया सूखती है। दो दिन हो गया है, अब इसको हम सुखा दिए हैं, उठा दिए हैं, छत पर से ला करके आप रख दिए हैं, अब इसको हम डब्बा में रख देंगे। हमारा अदौड़ी कम्प्लीट हो गया है। आप लोग भी बरसात के समय में नहीं बनाइएगा, नहीं तो अदौड़ी अच्छा नहीं होता है। ये होली बाद बनाइएगा, फिर अदौड़ी बहुत अच्छा होता है, फिर सूख भी गया है। अब हम लोग इसको रख देते हैं, फिर हम लोग इसको जब जब याद करेंगे तब तक इसको हम लोग बनाएंगे और खाएंगे। देखिए कैसे सूख गया है, देखिए कैसे आवाज़ कर रहा है। ऐसे आवाज़ करेगा तो आप लोग को भी मानिए कि ये अदौड़ी तैयार हो गया है। ठीक है, इसका जो खनखनाहट है दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इसका प्रूफ है कि ये सूख चुका है। तो आपको सारा नियम दीदी बताएं कि किस सीजन में बनाना चाहिए अदौड़ी, किस सीजन में नहीं बनाना चाहिए। तो सर्दियों के सीजन में बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो आपका जो अदौड़ी है ख़राब हो सकता है, मेहनत बेकार जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये बन के रेडी हो चुका है। और जैसे मेरे मामी बताई कि मतलब ये सर्दी के मौसम में बिल्कुल ना बनाएं, इसे गर्मी में ही बनाएं, और गर्मी में बनाएं और सर्दी में खाइए, दिक्कत ही क्या है। तो यही इसका मतलब ये है कि आप रख सकते हैं और बना सकते हैं और खा सकते हैं, मतलब गर्मी में बनाइए और सर्दी में खाइए। ताकि इसीलिए इसको बोलते हैं कि डब्बे में अच्छे से रखें इसको, ताकि मतलब देखिए जैसे हम रख चुके हैं, इतना सारा रखे हैं तो ये मेरा साल में एक साल तो चल ही जाएगा। और चाहे तो हम बना सकते हैं, बहुत धूप हो रही है, और आप भी बनाइए और आप भी खाइए, देखें कि हम सिलबट्टे पर कैसे पीसते हैं, उसे कितना मेहनत से सुखाएं। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन खाने में बहुत स्वाद आता है, खाने के बाद सारा मेहनत स्वाद हो जाता है, भूल जाते हैं हम, इतना इसका स्वाद आता है। कि अगर आपको ये मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरी मामी का चैनल पर, प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं दीदी घर तो आई थी दोस्तों, आपको पता ही है,
तो हमारी जो दीदी है ना कहते नहीं है सर्वगुण संपन्न अचार ऐसा ऐसा बनाती है कि मैं स्वाद ही नहीं भूल पाऊंगी जिंदगी भर। मैं आपको कहीं मौका जैसे जैसे मिलेगा तो बनाना बताऊंगी। ऐसा ऐसा अचार बनाती है ना कि मैं बता नहीं सकती, इतना स्वादिष्ट कि क्या बताऊं। एक अचार का नाम नहीं ले सकती, सारा कम से कम 10-15 वैरायटी का अचार बनाती है। जब मौका मिलेगा तो जरूर बनाऊंगी। तो मैं आई थी दीदी के घर तो ये आपको अदौरी भी दिखा दी। आप लोगों का बहुत दिनों से आ रहा था डिमांड कि अनीता जी आप गांव के तरीके से बताएं अदौरी बनाना। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए गांव का रेसिपी से रिलेटिव तो बताइएगा हमें, ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों अदौरी ख़रीदने हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो शायद 40-50 रुपये का 100 ग्राम मिलता है, इतना महंगा मिलता है। और घर के चीज़ों से ही आप बना के तैयार करके और पूरे साल इसका मजा उठा सकते हैं। तो बताइएगा आप ही कि कितना सस्ता पड़ा है ये। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा अपने घरों में। और मैं भी अदौरियाँ ऐसी बनाती हूँ दीदी, मैं तो बनाती नहीं हूँ, दीदी से बनवा लेती हूँ और अपने घर में पूरे साल खाती हूँ मजे से। आप लोग भी मजे से खाइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय और हमारे पूरे फैमिली को सपोर्ट करते रहें।